वेलिंगटन में टीम इंडिया को खराब फील्डिंग का भुगतना पड़ा नुकसान। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में बनाई 180 से ज्यादा की बढ़त, 5 विकेट अब भी बाकी। 4 जीवनदान मिलने का न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकेलम ने उठाया फायदा, शानदार दोहरा शतक लगाकर अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। वॉटलिन ने अपने कप्तान का दिया बखूबी साथ, शतक बनाकर अब भी विकेट पर नाबाद। छठे विकेट के लिए मैकेलम वॉटलिन के बीच रिकॉर्ड साझेदारी, दोनों ने अब तक जोड़ दिए हैं 330 से ज्यादा रन। चौथे दिन विकेट के लिए तरस गए भारतीय गेंदबाज, किसी को भी नहीं मिली कोई कामयाबी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज पेश करेंगे अंतरिम बजट, बजट में किसी बड़ी घोषणा के आसार नहीं। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कर सकेंगे वित्त मंत्री चिदंबरम, लेखानुदान में गिना सकते हैं UPA 2 की कामयाबियां। चुनाव से पहले सरकार के सामने लोक लुभावन बजट पेश करने की चुनौती, आम आदमी की परेशानियों पर होगी नजर। सोने के आयात पर लगी तमाम रोकों पर रियायत दे सकती है सरकार, पिछले दिनों ही लगाई गई थी रोक। तेलंगाना को लेकर तनातनी जारी, आज दिल्ली में तेलंगाना के विरोध में बड़ी रैली का आयोजन। रैली में हिस्सा लेने आंध्र प्रदेश से हजारों लोग पहुंचे दिल्ली, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। रैली में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनों में भरकर दिल्ली पहुंच रहे हैं लोग, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा आनंदपुर से 5 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली के लिए हुई है रवाना। वाईएसआर कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा, तेलंगाना के खिलाफ जंतर मंतर पर आज पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान के फैसले से नाराज आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी समेत सीमांध्र के सभी मंत्री और सांसद आज एक साथ दे सकते हैं इस्तीफा। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व पत्रकार आशुतोष, आम आदमी पार्टी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को टिकट, लुधियाना से मशहूर वकील फुलका लड़ेंगे चुनाव। योगेंद्र यादव भी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, आम आदमी पार्टी ने गुड़गांव से बनाया उम्मीदवार। नागपुर में नितिन गडकरी को चुनौती देंगे अंजलि दमानिया, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पर दमानिया ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकुल त्रिपाठी को टिकट, बागपत में अजीत सिंह के खिलाफ सोमेंद्र ढाका को बनाया गया उम्मीदवार। लुधियाना से मनीष तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने HS फुलका को बनाया उम्मीदवार, फुलका पेशे से हैं वकील। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान, बाबा हरदेव सिंह को मिला टिकट। पुणे में सुरेश कलमाड़ी को टक्कर देने की तैयारी, सुभाष वाड़े होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मयंक गांधी को आम आदमी का टिकट, साउथ मुंबई से मीरा सान्याल लड़ेंगे चुनाव। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को भी आम आदमी पार्टी का टिकट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बनाया गया उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर पूछे सवाल पर बिफरे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पत्रकारों से कहा किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आप तो किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम आप किस पार्टी की तरफ से ये कह रहे हो, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी जो आपकी है दिल्ली में, इसने लिस्ट जारी की है, और मुकुल त्रिपाठी जो है ये दिल्ली में जो आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में है कोई? अपने उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कुमार विश्वास ने राहुल को दी चुनौती, कहा मेरे साथ खुली बहस में ले हिस्सा।
मैं दावा करता हूं कि राहुल गांधी अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र के 17 ब्लॉकों के नाम ही तरतीब बार बता दें किस विधानसभा में कौन ब्लॉक है, 20 गांवों के नाम बता दें और कुछ नहीं तो 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नाम से पहचान लें तो भी मैं मानूंगा कि उन्हें अमेठी के बारे में कुछ पता है। आपके उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर कई जगह पर विरोध। लुधियाना में फुलका को टिकट दिए जाने पर बवाल। आम आदमी पार्टी के नेता बलबीर अग्रवाल का आरोप, पैसे देकर खरीदा टिकट। मुरादाबाद में भी खालिद परवेज की उम्मीदवारी का विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट दिए जाने का किया विरोध। आज नरेंद्र मोदी की सौराष्ट्र में रैली, अपने राज्य के किसानों को करेंगे संबोधित। रविवार को हिमाचल के सुजानपुर में नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में राहुल सोनिया पर साधा निशाना, कहा वादे करने वाले बहुत देखे हैं, मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। मोदी ने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं किसके लिए करूंगा करप्शन, हमारे जैसे ही भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। कर्नाटक के टुमकुर में अपनी रैली में राहुल का संघ पर निशाना, कहा बीजेपी के वैचारिक संगठन में महिलाओं को जगह क्यों नहीं। पटना में नीतीश कुमार ने मोदी पर ली चुटकी, कहा मोदी बताएं वो पाकिस्तान और चीन पर कब करेंगे हमला। पाकिस्तान पर हमला कब करेंगे जरा बताइए, चीन जो बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए है उसको छुड़ाने के लिए कै दिन के अंदर हमला करिएगा जरा बताइए। अभी जो लोगों को भड़का रहे हैं, भावना भड़का रहे हैं, तो हम आज ही से सवाल पूछना चाहते हैं कि कब कीजिएगा हमला। आज बिहार विधानसभा में नीतीश पेश करेंगे राज्य सरकार का बजट, नीतीश के पास है वित्त मंत्रालय। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार भी पेश करेगी अपना बजट, लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी हो सकता है ये बजट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कर्नाटक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ आज गोवा पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट, यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है तेजपाल। पिछले साल नवंबर में गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान तेज पर लगा था आरोप, तहलका की ही एक महिला पत्रकार ने लगाया था ये आरोप। दिल्ली के शकरपुर में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, बाइक से टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार बदमाशों ने दो युवकों को मारी गोली, एक की मौत एक की हालत गंभीर। रविवार दोपहर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 11 की मौत 35 घायल। पंजाब के बरनाला में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस को फूंका।